माँ पता है मेरे YouTube पर 90,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ तो सब्सक्राइबर्स से ही पेट भर ले फिर। ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है संडे, यू नो इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। यस, हमने फाइनली 90,000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए। पता नहीं हम लोग कौन से कछुए वाली स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त है, फाइनली 90,000 हो चुके हैं। जल्दी से हम लोग 100K की तरफ बढ़ेंगे और तब से आएंगी फेस कैम वीडियोस। लेकिन आज संडे है और भाई हमारे मतलब कोई मिल गया कि जादू ने शुरुआत की है, तो मतलब एक वीडियो पे लाइक तो बनता है, चैनल पर न्यू तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो यार, हेल्प करो 100K तक पहुंचने के लिए। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द Q&A। तो भाई जो पहला क्वेश्चन आया सामने वो इस बार आयुष यादव की तरफ से आया सामने। कैन ड्रू मैकइंटायर बिकम हील विद पॉल हेमन? अब देखो मेरे हिसाब से सुनने में आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्लैश एट द कैसल अगर वहां रोमन ड्रू होता है, मैकइंटायर हील क्या कहते हैं उसे, हील टर्न करते हैं, पॉल हेमन आ जाते हैं उनके साथ में। मेरे हिसाब से आईडी तो काफी बेहतरीन होने वाला है, लेकिन आई गेस WWE इसके साथ में नहीं जाएगी। सुनने में अच्छा खासा लग रहा है पॉल हेमन के न्यू गाय होंगे, ड्रू मैकइंटायर अच्छा खासा पुश मिलेगा, लेकिन शायद WWE अब ड्रू मैकइंटायर को हील ना बनाएगी इन फ्यूचर और भाई उनको एज टॉप बेबी फेस यू नो बुक किया जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी एक अल्टीमेट विलन है जिसका नाम रोमन रेंज है, अब एक अल्टीमेट हीरो की तलाश है जो कि सीना के लेवल का हो, तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर के अंदर WWE को देखता है, ये वो रीजन है वो अल्टीमेट बेबी फेस बनने की तरफ बढ़ेंगे ना कि हील की तरफ। अगला क्वेश्चन इस बार शाजिद की तरफ से आया सामने, हैशटैग के हुए ने जॉन सीना MITV लैडर मैच में लड़ेंगे या फिर नहीं? अब देखो बताया तो ऐसा जा रहा है कि मे बी जो जॉन सीना उनकी जो वापसी है WWE के अंदर वो मनी इन द बैंक से पहले हो जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो जून जुलाई के आसपास ही होने वाली है, यानी कि बस कुछ महीने और सीना वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मनी इन द बैंक के लैडर मैच के बारे में, मुझे देखो क्या सीन लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी अगर सीना का फ्यूड हो रहा है समर स्लैम के अंदर, तो MITV में जॉन सीना की वापसी होगी और वो होगी ऑस्टिन थ्योरी की किसी यू नो चीज को लेकर। मान लो ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है कि सुपरस्टार के साथ में, मैच खत्म होने के बाद भी वो सुपरस्टार के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो जॉन सीना आएंगे सुपरस्टार को बचाएंगे मनी इन द बैंक के अंदर, कुछ इस वे में उनकी वापसी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो सीना के लैडर मैच के अंदर कम्पीट करेंगे। अगला क्वेश्चन इस बार आया सामने अलोन डेविल की तरफ से, इफ WWE बिल्ड शेमस प्रॉपरली सो ही गिव्स अ गुड मैच अगेंस्ट रोमन? यस, मैं पूरे तरीके से इस बात से श्योर हूं भैया कि अगर WWE शेमस को अच्छे में बुक करती है, इवन अगर WWE नाकामुरा को अच्छे से बिल्ड करती है, तो नाकामुरा वर्सेस रोमन भी देखने लायक मैच होगा। अगर आप अभी जाके चेक करोगे नाकामुरा ऑलरेडी WWE के अंदर स्टार थे यार, उनका NXT से जब मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू हुआ उस वाली वीडियो के ऊपर अभी भी 29 मिलियन या फिर 30 मिलियन के अराउंड व्यूज है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इनफ है बताने के लिए। लेकिन नाकामुरा की जो स्टार पावर है वो WWE के अंदर कितनी ज्यादा है वो अलग बात है, WWE ने उनका कचरा कर डाला। और सेम सीन यहाँ पर शेमस के साथ में भी, WWE ने शेमस का भी उतने सही ढंग से रीसेंट टाइम में यूज किया नहीं है। उनकी जो US टाइटल रेंज थी मेरे हिसाब से वो रीसेंट टाइम को उनका बेस्ट टाइम पीरियड था, किस तरीके से उनकी डोमिनेशन थी और भाई क्या ए स्टार क्वालिटी वाले मैचेस थे। अब मेरे हिसाब से अगर WWE शेमस को बुक करते हैं, आपको याद होगी रैवलरी इससे पहले शेमस वर्सेज रोमन हो चुका है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो क्यों ना एक बार फिर से इस रैवलरी को चला जाए जब शेमस वर्सेज रोमन होगा। लेकिन रोमन इस बार एक अल्टीमेट हील होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इस बार उमर अकबर की तरफ से आए सामने, विल देयर बी अ न्यू वर्ल्ड टाइटल रादर देन द अनडिस्प्यूटेड टाइटल? मुझे नहीं ऐसा लगता WWE आने वाले टाइम में ऐसा करने वाली है, उसकी एक नहीं बल्कि दो रीजन है। पहला रीजन है कि WWE के हिसाब से एक टाइटल बनते के हाथ में ज्यादा अच्छी लगी कि दो चैंपियनशिप से देखने वाली चीज सामने वाली और प्रेस्टीज लगती है। अरे भैया सामने वाला एक डबल चैंपियन है वो जो ख्याल है मन में आता है, इसलिए मेरे हिसाब से WWE अनडिस्प्यूटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ ही कंटिन्यू करने वाली है, और जो भी अब जीतेगा रोमन से दोनों टाइटल साथ में ले जाएगा और दोनों टाइटल मिलकर कहलाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल और हमारी यूनिवर्सल टाइटल अलग अलग नहीं बची है, दोनों का एक नाम है वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, इसलिए जो WWE है शायद इसी चीज को प्रेफर करती हुई नजर आएगी इन फ्यूचर में भी। अगला क्वेश्चन इस बार तन्मय पॉल की तरफ से है सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रो रेसलर एंड अ स्पोर्ट्स एंटरटेनर? बाय द वे 100K पे फेस रिवील होना चाहिए रोहन भाई। हाँ फॉर श्योर भैया 100K के बाद, लेकिन करा तो दो पहले जल्दी से। फिर से इमोशनल हो गया मैं। अब चलो बात करते हैं सीधा क्वेश्चन के बारे में। भैया क्वेश्चन ये था कि एक प्रो रेसलर और एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के बीच में फर्क है, एंटरटेनर के बीच में एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पर नाम ही जो दोनों के हैं एकदम सीधा बताते हैं कि एक्चुअल में दोनों का मतलब क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर प्रो रेसलर का मतलब ये होता है वो इंसान जो कि फाइटिंग स्किल्स में इतना कमाल का हो कि आपको एंटरटेन करता हुआ नजर आए, लेकिन स्पोर्ट्स एंटरटेनर का जो रोल है यहाँ से पूरा डिफरेंट है। और स्पोर्ट्स एंटरटेनर का रोल यहाँ पर ये होने वाला है कि आपको सिर्फ एंटरटेन करे अपने स्पोर्ट्स वाले मेथड से। आई नो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन प्रो रेसलिंग
अंदर जो स्किल्स आते हैं वो रेसलिंग के आते हैं, मार धाड़ वाले आते हैं। एक बंदा अपने आपको अगर प्रो रेसलर फैन कह रहा है, फिर प्रो रेसलिंग फैन कह रहा है, उसका मतलब ये कि वो सिर्फ रेसलिंग को देखना पसंद करता है। जितनी मर्जी खूंखार रेसलिंग हो वो उसे पसंद करेगा, नो मैटर उसमें एंटरटेनमेंट है या फिर नहीं, नो मैटर उसके अंदर जो भी चीजें, लेकिन मार धाड़ जो चीज है उस इंसान को पसंद है। और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और WWE यानी कि AEW में फर्क यही है, AEW रेसलिंग के ऊपर फोकस करती है, लेकिन जो WWE का फोकस है बाकी सारी चीजों के ऊपर भी होता है। क्या जो ऑडियंस है वो सेगमेंट को देख के एंटरटेन हो रही है या फिर नहीं, क्या जो ऑडियंस है उन्हें थ्रिलिंग मैच लग रहा है या फिर नहीं, क्या जो ऑडियंस है उन्हें मैच फील हो रहा है पर्सनल वे में, यानी जैसे मान लो रोमन वर्सेस सीना का मैच हो रहा है तो भैया गूज बम अंदर से आते कि क्या मैच होने वाला है। लेकिन क्या AEW के किसी मैच में इतने इमोशनल वे में फील होता है कि हाँ भैया ऐसा मैच होने वाला है? रेसलर्स का तो फर्क है, लेकिन कैटेगरी का यहाँ पर फॉर श्योर फर्क आता है एक प्रो रेसलर और एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर के बीच में। अब मुझे नहीं पता, मैंने अंग्रेजी क्लास तो नहीं यहाँ पर ले ली है, लेकिन भाई ये कुछ सीन है, ये कुछ डिफरेंस है। होप करता हूँ सभी समझ गए होंगे, वरना मुझे तो लग रहा है सब कंफ्यूज हो गए। अगर क्वेश्चन इस बार तारिक अकमल की तरफ से आए सामने, हे ब्रो, व्हाट वुड बी द सिचुएशन इफ ब्रॉक लेसनर हैज वॉन द चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया? सीन यहाँ पर ये होता है, पहली बात लेसनर जीतते नहीं क्योंकि उन्हें रेगुलर आना पड़ता, दूसरी बात अगर जीत भी लेते मुझे ऐसा लगता है अब तक यार उनके पास चैंपियनशिप जा चुकी होती, क्योंकि उनके सामने तगड़े तगड़े अपोनेंट आते, सेथ रॉलिंस है, कोडी रोड्स है, और अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ए टाइटल तो उनके हाथ से चली जाती है, या फिर जो WWE हो सकता है समर स्लैम के अंदर लेसनर को एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन डिथ्रोन करती हुई नजर आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू थिंक आरके ब्रूस शुड रीगेन टाइटल एट हेल इन अ सेल? अब वो टाइटल बन चुकी है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, रिडल रैंडी ऑर्टन की जो इंजरी है वो अनाउंस हो चुकी है, ये बात क्लियर करता है कि अब WWE इन दोनों का जो फ्यूड है सेपरेट करेगी। अब आरके ब्रो की लड़ाई उसो से नहीं बची है, वो बची है रोमन रेंज से, तो हेल इन अ सेल के बाद जब ये लोग वापस आएंगे रिडल MI टीम में भी फेस करेंगे रोमन रेंज का, ऑर्टन फेस करेंगे समर स्लैम 2022 में रोमन रेंज का, तो इसलिए मेरे हिसाब से भाई जो सीन है अब वो आरके ब्रो की टैग टीम टाइटल को लेकर ही नहीं रह गया, अब रह गया रोमन और आरके ब्रो के बीच में, आरके ब्रो और उसोस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसोस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स ऑफ ऑल टाइम फॉर श्योर, मैं इसमें पूरी तरीके से मार्क लगाता हूँ, लेकिन अगर मैं एंटरटेनमेंट वाइज करूँ तो मैं आरके ब्रो के साथ जाना चाहूंगा, एक्नॉलेज द ब्लड लाइन, लेकिन आरके ब्रो की जो केमिस्ट्री है जो है ब्रो, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। बाय द वे अगला जो क्वेश्चन है इस बार मिस्टर बीन की तरफ से आए सामने, हूज चांसेस आर मोर टू विन MITV, कोडी, सेथ, ब्रॉक और ड्रू? अभी डिपेंड करते हैं कि साल की स्टिपुलेशन जो अनाउंस हुई है वो है या फिर जो रेगुलर वाली वो है। अब अनाउंस वाली क्या है कि रेसलमेनिया को बंदा मेन इवेंट करने वाला चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहाँ पर रेगुलर स्टिपुलेशन क्या होती है मनी इन द बैंक की, जो जीतेगा उसे कैश इन करने का मौका मिलेगा। अगर कैश इन वाला फैक्ट आता है आई गेस कोडी रोड इज द नेम जो कि हमें करते हुए नजर आएंगे, जीत के बाद इन्हों कैश इन करके चैंपियन बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया को हेडलाइन करने के बारे में तो मैं ब्रॉक के साथ जाऊंगा, ब्रॉक या फिर सेथ, आई गेस ये दो ऑप्शन है जो कि WWE पिक करेगी। ड्रू मैकइंटायर का मुझे चांस कम लग रहा है क्योंकि क्लैश एट द कैसल ऑलरेडी उनके लिए स्पेशल PPV होने वाला है, तो शायद जो WWE है वो सेथ ब्रॉक में से अगर रेसलमेनिया की बात आती है तो, और कोडी अगर बात आती है कैश इन वाली चीज के बारे में। आज का जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस बार क्रिश पांडे की तरफ से है सामने, इज दैट पॉसिबिलिटी देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द ब्लड लाइन एंड द जजमेंट डे? फॉर श्योर भाई इसकी पॉसिबिलिटी एकदम तगड़ी वाली है, उसका रीजन पता है क्या है? ब्लड लाइन हैज ऑल द गोल्ड, भैया रॉ की टैग टीम चैंपियन वर्सेस स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन, कहां से मैच हो जाएगा? अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑलरेडी उसोस बने बैठे हैं, रॉ के चैंपियन जो हमारा मेन चैंपियन होता है यानी कि WWE चैंपियन वर्सेस स्मैकडाउन यूनिवर्सल चैंपियन, ये मैच कैसे होगा? रोमन रेंज दोनों टाइटल लेके बैठे हैं, तो अल्टीमेटली जो चीजें बनती हैं वो ये कि फैक्शन वर्सेस फैक्शन हो सकता है, रॉ का फैक्शन वर्सेस स्मैकडाउन का फैक्शन, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये PPV यानी कि सर्वाइवर सीरीज जो इस साल का होगा ये वो जगह होगी जहां पर जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन का मैच हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसके चांस सीरियसली बहुत ज्यादा हाई, और मेरे हिसाब से जो मैच है वो एक ए क्लास मैच होने वाला, अच्छा खासा फ्यूड होगा, हील वर्सेस हील का जो फैक्शन है अगर इनका फ्यूड होता है मेरे हिसाब से WWE में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ भाई इस साल सर्वाइवर सीरीज के लिए मुझे इस मैच की पर्सनली बहुत ज्यादा हाई चांस लगते हैं। बाय द वे आज का ये था के होने वाला सेशन, अगर ये वाली के होने वीडियो पसंद आया पता नहीं अगर क्या करना है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को 100K क्रॉस करने हमें, साथ में जो लोग हाँ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।